स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। ओके स्टूडेंट, आज हम चैप्टर थर्ड हाउ मैनी स्क्वायर्स सॉल्व करेंगे। ओके, पहले तो आपके लिए बुक में पेज नंबर 34 पे स्टैक से ग्रेड दिया हुआ है, ग्रेड दे रखा है। सबसे पहले जो रेड स्क्वायर है ना, उसको मेजर करना है। जब आप इसको मेजर करोगे तो कितना आएगा, तो अपने इसके यहाँ पे आएगा 1 सेंटीमीटर, चारों ओर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर होगा। तो ये सेम है, तो ये क्या है, स्क्वायर शेप है। ठीक है, वो तो शेप से ही समझ में आ रहा है, स्क्वायर है। तो इनका जो चारों तरफ से जो ये है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है। ओके, अब जे चारों साइड जब सेम है तो स्क्वायर है। ओके, सो इसमें क्या ये ग्रेड दे रखा है, इसमें पूछे हैं मेजर द साइड ऑफ रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट, ड्रॉ हेयर एज मैनी रेक्टेंगल एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर। ओके, क्या है, इस ग्रेड दे रखी है, इसमें से हमको स्क्वायर बनाने हैं। 12 स्क्वायर लेके हमको रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, 12 स्क्वायर लेके हमको रेक्टेंगल बनाना है इस ग्रिड में। लेट्स सी कैसे बनाना है। देखें, अब यहाँ पे हम बॉक्सेस काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्वेश्चन में क्या दिया है कि 12 स्क्वायर लेके हमको रेक्टेंगल बनाना है। तो दिस लाइन आप इसको स्केल के साथ करोगे तो बहुत अच्छे से ये होगा, लाइन ड्रॉ होगी। ओके, तो ये 12 स्क्वायर को लेके हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सेम ऐसे ही सेम एडिट यहाँ पे नीचे भी आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऐसे हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, ये एक और रेक्टेंगल बन गया। अब साइड में आए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे भी 12 स्क्वायर का एक रेक्टेंगल बन गया। ऐसे ही हम यहाँ पे भी आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक रेक्टेंगल यहाँ पे ऐसे बना। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, देन यहाँ पर भी वैसे ही सेम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल और यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन था, मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर, इसकी हमने मेजर साइड की। ठीक है, ऑन द डॉटेड शीट ड्रॉ हेयर एज मैनी रेक्टेंगल एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर। ठीक है, ऐसा रेक्टेंगल बनाना है हमको जिसमें 10 स्क्वायर से बने। ओके, नाउ हाउ मैनी रेक्टेंगल कुड यू मेक। अब हमको काउंट करना कि हमने कितने रेक्टेंगल इसमें बना लिए। काउंट करें, 1 तो ये बन गया, 2 3 4 5 6 एंड 7। कितने रेक्टेंगल बन गए, 7। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7। हाउ मैनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक, हमने कितने रेक्टेंगल बनाए यहाँ पर, 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 रेक्टेंगल हमने यहाँ पर बनाए। अब देखेंगे यहाँ पे क्या बोला गया है, ईच रेक्टेंगल इज मेड आउट ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर। ठीक है, जो रेक्टेंगल है, ईच रेक्टेंगल हमने कितने स्क्वायर का बनाया, 12 स्क्वायर से बनाया। सो ऑल हैव द सेम एरिया, सबका एरिया सेम है, बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट। इनकी बाउंड्री और जो लेंथ है वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, लेट्स सी। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी 5th क्लास की बुक है। ओके,
अगर हम इसको वैसे टेबल पे रख देंगे, ठीक है, एक चीज जितनी जगह लेती है वो उसका एरिया होता है, ठीक है, इसने इतना एरिया घेरा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखोगे, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बुक है, ओके, तो इसने कॉपी में इतना एरिया घेर लिया, ठीक है, ये क्या है एरिया, ठीक है, ये क्या है एरिया, क्या है ये एरिया, ओके। अब हम जानेंगे कि पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर वो होता है, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे हमने एक और बुक बना दी, ये 3 सेंटीमीटर है, यहाँ एरिया 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। अब पैरामीटर क्या होता है, इन सारी साइड को जब हम टोटल करेंगे वही होता है पैरामीटर, ठीक है, इन सारी साइड को जब हम टोटल करेंगे वही होता है पैरामीटर। फॉर एग्जाम्पल हम लिख लें 4 + 3, अगेन 4 ही आएगा ना, प्लस 3। अब इन सबको अगर हम टोटल करेंगे, ठीक है, वो इसका पैरामीटर होगा, ठीक है, इनको टोटल किया तो कितना आया 14 सेंटीमीटर। सो ये क्या है पैरामीटर। पैरामीटर किसे कहते हैं, कोई भी चीज़ हो उन सारी साइड का टोटल जो होता है वो पैरामीटर कहलाता है, ठीक है। अगर हमको एरिया फाइंड करना है तो हम इसको इससे इंटू कर देंगे, ओके, 4 × 3 = 12, सो एरिया कितना आ गया 12, ओके। नेक्स्ट अब देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज द लॉन्गेस्ट पैरीमीटर, ठीक है, विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज द लॉन्गेस्ट पैरीमीटर, ओके। रेक्टेंगल देखेंगे यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ओके, 12, यहाँ पर भी 12 लिखेंगे, यहाँ पर भी 12, ओके, 12 एंड ये 12, 1, 1, तो इसको हम ऐड कैसे करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि पैरामीटर कैसे निकालना है हमको, 12 + 1 + 12 + 1, कैसे हो गया ये 12 साइड्स हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 ये हुए, 12 ये, 1 this, 1 this, ओके। सो इसको अब क्या करेंगे हम, टोटल कीजिए, 12 + 1 = 13, ओके, 13 + 12 = 25, 20 + 1 = 26 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज द लॉन्गेस्ट पैरीमीटर, नंबर 1 रेक्टेंगल हैज द लॉन्गेस्ट पैरीमीटर 26 सेंटीमीटर। ये 26 सेंटीमीटर कैसे आया आपको समझ में आ गया ना, कि इन सारी साइड्स को हमने टोटल किया तो उसका पैरामीटर निकल जाता है, ठीक है। ये पैरामीटर कैसे निकालते, पैरामीटर जो एरिया रहता है उन सारी साइड्स को हम टोटल करेंगे तो उसका पैरामीटर निकल जाता है, तो वो आंसर कितना आया 26 सेंटीमीटर। देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पे, विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज द स्मॉलेस्ट पैरीमीटर, ठीक है। अब इनमें से कौन सा रेक्टेंगल में स्मॉलेस्ट पैरीमीटर है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, लेट्स सी यहाँ पे रेक्टेंगल्स को देख लेंगे, यहाँ पे कितना है 1, 2, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। सो यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 था ऊपर, 2 + 6 + 2 + 6 कितना हो गया, काउंट कीजिए,
16 centimeter. ओके स्टूडेंट, दिस इज योर होमवर्क. आपको ये ग्रिड बनाना है, इसमें से ऐसे स्क्वायर फाइंड करना है, देन क्वेश्चन के बाद ये सब राइट लिखना है. जैसे विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज द लॉन्गेस्ट पैरामीटर, विच ऑफ द दिस रेक्टेंगल हैज द स्मॉलेस्ट पैरामीटर. ओके, दिस इज योर होमवर्क. यस, नाउ टाइम टू से बाय बाय स्टूडेंट.